Hello friends, in this video lecture we will discuss about the first shifting properties. तो friends, first shifting properties के बारे में बात करने से पहले मैंने आपको बताया था दो properties and this is the next and third property. You can say that this is the third properties. तो first shifting properties friends होता क्या है, तो यहाँ पर देखिए if Laplace of function of t is equal to phi of s, मतलब यहाँ पर देखिए अगर कोई आपको Laplace of function of t is equal to phi of s के फॉर्म्स में है then the Laplace of e raised to at into f of t is equal to phi of s minus a. मतलब इसका मतलब हुआ क्या फ्रेंड्स, अगर कोई फंक्शन Laplace of function of t is equal to phi of s के फॉर्म्स में है then अगर आप किसी भी एक्सपोनेंशियल टर्म्स पे अगर आप मल्टीप्लिकेशन करते हो उस फंक्शन से तो आपको उस फंक्शन को आपको क्या लिखना पड़ेगा, s minus a. अगर यहाँ पर e raised to at के फॉर्म्स में मल्टीप्लाई कर रहे हो उस फंक्शन से तो आपको s minus a से करना पड़ेगा, उसको s को आपको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा s माइनस ए से. एंड सिमिलरली अगर लैपलेस ऑफ e raise to minus at, अगर आप उस फंक्शन को उस f of t को अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे e raise to minus at से तो उसका वैल्यू जो होगा s प्लस a. तो सिंपल टर्म्स में आप कैसे याद कर सकते हो, अगर यहाँ पर माइन प्लस साइन रहा तो आपको s माइनस a में कन्वर्ट करना पड़ेगा, अगर यहाँ पर माइनस साइन रहा तो s प्लस a में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो इसके लिए बहुत ईजी है फ्रेंड्स, आपको क्वेश्चन e raise to at से मल्टीप्लाई करना है कि नहीं करना, वो क्वेश्चन में आपको गिवन रहेगा, आपको e raise to at के टर्म्स में गिवन रहेगा, अदरवाइज e raise to minus at के टर्म्स में गिवन रहेगा और आपको उसे सॉल्व करना पड़ेगा. तो यहाँ पर मैं देखिए क्वेश्चन लिया हूँ जो कि आपको सॉल्व करके बताऊँगा. इससे पहले भी मैंने देखिए आपको दो प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया था और उसी में उसको आपको क्वेश्चन सॉल्व करके बताया हूँ. तो उस वो दोनों प्रॉपर्टीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है एंड दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ लैपलेस ट्रांसफॉर्म जो कि फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टीज है. यहाँ पर खाली आपको याद रखना है कि अगर फंक्शन ऑफ टी अगर फाई ऑफ एस के फॉर्म्स में आता है तो उस फंक्शन ऑफ टी को अगर ई रिज टू ए टी से अगर मल्टीप्लाई हुआ है तो आपको फाई ऑफ एस एस माइनस ए में कन्वर्ट करना पड़ेगा, अगर ई रिज टू माइनस ए टी माइनस साइन रहेगा तो यहाँ पर एस प्लस ए से कन्वर्ट करना पड़ेगा. लेट्स टेक आई विल टेक वन एग्जाम्पल. क्वेश्चन नंबर वन क्या गिवन है, फाइंड द गिवन लैपलेस ट्रांसफॉर्म. वन जो कि गिवन है लैपलेस ऑफ ई रिज टू फोर टी इंटू साइन टी. सेकेंड क्वेश्चन आपको गिवन है e raised to माइनस टू टी इंटू टी क्यू एंड थर्ड क्वेश्चन गिवन है cos 2t इंटू साइन टी अपॉन e raised to t. तो मैं अब इस क्वेश्चन को स्टेप वाइज सॉल्व करते जाऊंगा एंड आप तीन क्वेश्चन सॉल्व करना है, तीनों अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन है फ्रेंड्स एंड रिलेटेड टू फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टीज. तो मैं पहला क्वेश्चन सबसे पहले सॉल्व करता हूँ और आपको बता दूँ कि कैसे आप फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो. तो देखिए पहला क्वेश्चन आपको गिवन किया है, जो आपको लैपलेस ट्रांसफॉर्म गिवन है तो लेट से दिस इज लैपलेस ऑफ फंक्शन ऑफ टी इज इक्वल टू क्या गिवन है आपको, लैपलेस ऑफ ई रेस टू फोर टी इंटू साइन टी. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करोगे फ्रेंड्स, यहाँ पर सॉल्व करने के लिए आपको एक तरीका बताऊँ तो आप राइट हैंड साइड से सॉल्व कीजिए. जैसे कि आपको क्या गिवन है e raise to 4t into sin t, तो sin t क्या है आपका, आपको पता है sin t के लिए आपको लैपलेस ट्रांसफॉर्म आपको पता है तो आप क्या कर सकते हो, sin t का पहले लैपलेस ट्रांसफॉर्म निकालिए. जैसे कि sin at के बारे में आपको पता है स्टैंडर्ड फार्मूला ऑफ sin at, अगर नहीं पता होगा तो आप मेरे पहले लेक्चर में देख सकते हैं, वहाँ पर मैंने आपको स्टैंडर्ड फार्मूला डेराइव भी किया है इससे रिलेटेड. एंड sin at के बारे में आपको क्या पता है, a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर, तो आपको इसके बारे में आपको स्टैंडर्ड फार्मूला मालूम है तो आप इससे क्या कर सकते हो, ई रेस टू ए टी में जब भी कन्वर्ट करोगे तो उस साइन टी को आप ई रेस टू ए टी में जब भी आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको एस माइनस ए में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव साइन है. तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर लैपलेस में किसका निकालूंगा, उस फंक्शन का टी का, और वो फंक्शन कौन सा है, साइन टी. तो लेट्स टेक आई विल टेक साइन टी लैपलेस ऑफ साइन टी, ये क्या हो जाएगा लैपलेस ऑफ साइन टी. तो लैपलेस ऑफ साइन टी के लिए आपको पता है फॉर्मूला a अपॉन, तो a क्या आपका यहाँ पर 1 है, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर क्या आपका 1, तो आपको क्या मिल गया फ्रेंड्स यहाँ पर 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1, जो कि मैं यहाँ पर फार्मूला लिख देता हूँ लैपलेस ऑफ साइन ऑफ ए टी क्या होता है आपका a डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. तो इस फार्मूला का मैंने यहाँ पर यूज़ किया. देन नेक्स्ट काम क्या रहेगा फ्रेंड्स, यहाँ पर लैपलेस ऑफ क्या रहेगा आपका e रेस टू फोर टी इंटू साइन टी. तो इसे कैसे सॉल्व करोगे, तो इसे सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जहाँ पर s गिवन है वहाँ पर s माइनस ए से कन्वर्ट करना पड़ेगा. देखिए यहाँ पर क्या है,
ई रेस टू ए टी इंटू एफ ऑफ टी, तो यहाँ पर सेम है ई रेस टू ए टी। ए टी क्या, ए का वैल्यू क्या आपका 4 है, तो आपको क्या चेंज करना पड़ेगा, ए की जगह पे आपको 4 सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा, तो आपको क्या मिल जाएगा 1, एंड दिस इज डिवाइडेड बाय एस माइनस, यहाँ पर देखिए एस की जगह पे आपको क्या कन्वर्ट करना पड़ेगा, एस माइनस 4 द होल स्क्वायर, एंड दिस इज द प्लस 1 आपको गिवन था, प्लस 1 आप यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दोगे, ये क्या हो गया आपका बाय, यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा फ्रेंड्स बाय फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टीज, बाय फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टीज। आपने किसका यूज किया, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का यूज करके आपने इस क्वेश्चन को, अगर ई रेस टू 40 के फॉर्म में, ई रेस टू 80 के टर्म्स में, तो आप क्या करोगे एस की जगह पे एस माइनस ए में कन्वर्ट करोगे, तो एस ए क्या है यहाँ पर 4 है, तो एस माइनस 4 द होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर था तो स्क्वायर हो जाएगा। नाउ इसे आप क्या करिए, सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज होगा, तो आपको पता है ए माइनस बी एस स्क्वायर, एंड दिस इज व्हाट 2 ए एस, 2 टाइम्स एस इंटू 4, तो 4 टू ज़ा 8 इंटू एस, प्लस 4 फोर ज़ा 16, 16 प्लस 1 क्या हो जाएगा 17, ये हो जाएगा आपका ये लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेस टू 40 इंटू साइन टी। तो फ्रेंड्स बहुत इजी क्वेश्चन है लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेस टू 40 इंटू साइन टी के लिए। अब नेक्स्ट काम क्या है आपका, ये सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन भी बहुत इससे रिलेटेड इजी है, क्या है आपको क्वेश्चन क्या गिवन है, सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या लेता हूँ, लेट से ई रेस टू माइनस 2t इंटू टी क्यू, तो आप क्या करोगे राइट हैंड साइड से, तो राइट हैंड साइड में आपको टी क्यू गिवन है, लेट्स टेक लैपलेस ऑफ फंक्शन ऑफ टी, ये आपको क्या गिवन है फंक्शन ऑफ टी क्या गिवन है टी क्यू, यहाँ पर आप टी क्यू ये हो जाएगा आपका टी क्यू, ये फंक्शन गिवन है, तो इसमें लैपलेस ट्रांसफॉर्म यूज करोगे तो लैपलेस ऑफ टी क्यू यूज किया, तो लैपलेस ऑफ टी क्यू के लिए आपको फार्मूला मालूम है टी रेस टू एन, लैपलेस ऑफ टी रेस टू एन क्या होता है आपका एन फैक्टोरियल, एन फैक्टोरियल कितना है 3 फैक्टोरियल, तो आप यहाँ पर 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एस रेस टू एन प्लस 1, तो एन कितना है 3 है, तो 3 प्लस 1 यूज किया, तो आपको मालूम है 3 फैक्टोरियल कितना होता है 3 × 2 × 1, दिस इज डिवाइडेड बाय एस रेस टू 3 प्लस 1 4, तो ये हो जाएगा 3 × 2 = 6, एंड दिस इज एस रेस टू 4। नाउ आपको क्या करना है बाय फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी आपने क्यों लगाया, क्योंकि आपको एक्सपोनेंशियल टर्म्स यहाँ पर मल्टीप्लाई किया है, एक्सपोनेंशियल टर्म क्या है ई रेस टू माइनस 2t, देयरफॉर क्या हो जाएगा ई रेस टू माइनस 2t इंटू क्या हो जाएगा टी क्यू, ये आपको गिवन था एक्सपोनेंशियल टर्म्स में, तो इसे क्या करोगे आप यहाँ पर लैपलेस ट्रांसफॉर्म यूज करोगे, यहाँ पर लैपलेस ट्रांसफॉर्म लगाओगे तो आपको क्या मिल जाएगा इस फंक्शन में 6/ एस की जगह पे आपको क्या करना पड़ेगा एस प्लस 2, क्योंकि आपको पता है ई रेस टू माइनस 80 रहेगा, तो एफ ऑफ टी तो एस प्लस ए में सब्सटीट्यूट करना है, तो ई रेस टू माइनस टर्म्स था, तो इसलिए क्या हो जाएगा एस की जगह पे एस प्लस 2 एंड रेस टू 4, तो ये हो गया आपका लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ गिवन फंक्शन, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो ई रेस टू माइनस 2t इंटू टी क्यू, जो कि आपको आंसर जो मिलेगा आपको फ्रेंड्स 6/ एस प्लस 2 द होल स्क्वायर, ये हो गया आपका आंसर सेकंड क्वेश्चन का। क्वेश्चन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन में सॉल्व करूँगा, क्या क्वेश्चन गिवन है cos 2t इंटू साइन टी अपॉन ई रेस टू टी, यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स थर्ड क्वेश्चन क्या गिवन है cos 2t इंटू साइन टी, तो इसे सॉल्व करने के लिए फ्रेंड्स सेम रहेगा, यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा लैपलेस ऑफ cos 2t इंटू व्हाट साइन टी, एंड दिस इज डिवाइडेड बाय क्या आपका ई रेस टू टी। अब आप यहाँ पर बोलोगे फ्रेंड्स कि ई रेस टू टी में तो यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं है, तो आप कैसे आप बोल सकते हो कि ये फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टीज है, तो फ्रेंड्स बहुत ईजी है, खाली क्या करना है यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको करना क्या है, ई रेस टू टी को आपको न्यूमरेटर में शिफ्ट करना है, तो न्यूमरेटर में शिफ्ट करोगे तो आपको ई रेस टू टी के फॉर्म्स में हो जाएगा, तो देखिए न्यूमरेटर में शिफ्ट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा ई रेस टू माइनस टी, एंड क्या हो जाएगा यहाँ पर cos 2t इंटू क्या गिवन है यहाँ पर साइन टी, ये हो गया। अब ये क्या हो गया फ्रेंड्स ई रेस टू माइनस टी से मल्टीप्लाई हो गया ये फंक्शन में, तब आप क्या कर सकते हो राइट हैंड साइड से अभी इसे सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा राइट हैंड साइड में cos 2t, तो सबसे पहले cos 2t इंटू साइन टी के लिए आप लैपलेस ट्रांसफॉर्म यूज करोगे, देन मल्टीप्लाई बाय ई रेस टू माइनस टी का प्रॉपर्टी, जो कि अभी मैंने बताया आपको जो फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से आप इसे सॉल्व कर सकते हो, तो इसे सबसे पहले आप क्या करोगे लैपलेस ऑफ
फंक्शन ऑफ टी, फंक्शन ऑफ टी क्या है आपका कॉस टू टी, तो यहाँ पर लेट से मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फंक्शन ऑफ टी एंड दिस इज, ये फंक्शन क्या आपका कॉस टू टी इंटू कॉस टू टी इंटू साइन टी। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, आपको कोई फार्मूला तो पता नहीं है कॉस टू टी इंटू साइन टी के लिए, बट आपको ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला में, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में आपने एक फार्मूला यूज किया होगा, टू कॉस टू से अगर आपने मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो टू कॉस ए इंटू साइन बी के लिए आपको फार्मूला पता है। तो यहाँ पर सेम, यहाँ पर मैं काम करूँगा वन अपॉन टू से मल्टीप्लाई करूँगा एंड टू से डिवाइड करूँगा, तो क्या हो जाएगा टू कॉस टू टी इंटू साइन टी। तब नेक्स्ट काम क्या रहेगा फ्रेंड्स आपका, टू कॉस ए इंटू कॉस साइन बी। यहाँ पर देखिए आपको टोटल फोर फार्मूला मालूम है ट्रिग्नोमेट्री में, टू साइन ए इंटू साइन बी, टू कॉस ए इंटू कॉस बी, टू साइन ए इंटू कॉस बी, टू कॉस ए इंटू साइन बी। तो यहाँ पर कौन सा फार्मूला, फोर्थ फार्मूला टू कॉस ए इंटू साइन बी का यूज़ होगा। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स कैसे भी से सॉल्व करोगे। नेक्स्ट काम क्या रहेगा, अब यहाँ पर देखिए लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ टू कॉस ए इंटू साइन बी, तो क्या फार्मूला है फ्रेंड्स, यहाँ पर टू कॉस ए इंटू साइन बी के लिए फार्मूला क्या है आपको मालूम होगा, साइन ए प्लस बी माइनस टाइम्स साइन ए माइनस बी। तो यहाँ पर सेम फार्मूला यूज होगा, साइन ए प्लस बी दैट इज साइन ऑफ ए प्लस बी, टू टी प्लस टी दैट इज साइन थ्री टी एंड कॉस पहले तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, तो माइनस टाइम्स साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी दैट इज टू टी माइनस टी दैट इज टी। तो यहाँ पर आपको फार्मूला मिल गया, आपने क्या किया टू कॉस ए इंटू साइन बी, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फार्मूला टू कॉस ए इंटू साइन बी का आपने फार्मूला यूज किया। क्या होता है आपका फार्मूला, साइन ऑफ ए प्लस बी माइनस टाइम्स साइन ऑफ ए माइनस बी, ये हो गया टू कॉस ए इंटू साइन बी। तो आपने फार्मूला यूज किया साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, तो ए क्या आपका टू टी एंड बी क्या है टी, तो ए प्लस बी थ्री टी एंड ए माइनस बी दैट इज टी। अब नेक्स्ट काम क्या रहेगा, अब आपको क्या मिल गया फ्रेंड्स यहाँ पर, लैपलेस ट्रांसफॉर्म स्टैंडर्ड फंक्शन। अब आपको पता है स्टैंडर्ड फंक्शन में आप इसे कैसे सॉल्व करते थे, तो अब आपको खाली क्या करना है, स्टैंडर्ड फंक्शन का फॉर्मूला यूज करना है, लैपलेस ऑफ साइन ए टी। तो लैपलेस देखिए यहाँ पर, लैपलेस अंदर आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है जब मैंने पहला लेक्चर लिया था वहाँ पर, तो आपको एक रूल्स पता होगा लैपलेस ऑफ साइन थ्री टी माइनस साइन टी के लिए, आप इसको सेम ऐसा लिख सकते हो साइन थ्री टी माइनस लैपलेस ऑफ साइन टी, इस फॉर्म से आप लिख सकते हो। नेक्स्ट काम क्या रहेगा, अब आपको प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके अब इसे सॉल्व करना रहेगा। तो प्रॉपर्टीज़ क्या यूज़ करोगे फ्रेंड्स, यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ क्या रहेगा आपका, साइन ए टी का प्रॉपर्टीज़ लगाओगे। तो साइन ए टी के लिए क्या आपको पता है, ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ए क्या यहाँ पर थ्री है एंड एस स्क्वायर प्लस थ्री का स्क्वायर क्या हो जाएगा नाइन। सिमिलरली माइनस ए वन, क्योंकि यहाँ पर साइन ए टी ए का वैल्यू क्या है वन है, सिमिलरली एस स्क्वायर प्लस प्लस क्या हो जाएगा वन स्क्वायर दैट इज वन। तो आपने क्या किया यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ का यूज़ किया, स्टैंडर्ड फार्मूला आपको पता है लैपलेस ट्रांसफॉर्म का, उस प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके आपने इसे सॉल्व किया। अब नेक्स्ट काम क्या रहेगा फ्रेंड्स आपका, ई रेस टू माइनस टी से मल्टीप्लीकेशन करना है। तो नेक्स्ट काम क्या रहेगा, यहाँ पर मैं ई रेस टू माइनस टी इंटू कॉस टू टी इंटू साइन टी, ये आपका क्या हो गया फंक्शन का फॉर्मूला हो गया, ई रेस टू माइनस टी इंटू कॉस टू टी इंटू साइन टी। तो बाय फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टीज से यहाँ पर लिख सकते हो चाहे तो आप, नाउ बाय फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टीज ई रेस टू माइनस टी। फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टीज आपने कैसे समझा, क्योंकि यहाँ पर एक्सपोनेंशियल टर्म्स में मल्टीप्लीकेशन किया गया है, तो ई रेस टू माइनस टी, तो आपको रूल पता रहेगा तो आप इजिली सॉल्व कर सकते हो। अब आगे एक फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टीज होता क्या है, तो खाली एस की जगह पर आपको एस माइनस ए अदरवाइज एस प्लस ए, एस माइनस ए एस प्लस ए कब होगा, जब भी यहाँ पर माइनस रहेगा तो एस प्लस ए रहेगा, अगर एक्सपोनेंशियल टर्म्स पॉजिटिव रहेगा तो एस माइनस ए रहेगा। तो यहाँ पर क्या है आपका फ्रेंड्स, यहाँ पर माइनस टर्म्स है, तो माइनस टर्म्स होने के कारण क्या करोगे आप, एस प्लस ए से चेंज करोगे, तो थ्री टाइम्स एस प्लस क्या रहेगा आपका वन, क्योंकि यहाँ पर वन माइनस टी ओनली है तो वन से चेंज होगा दैट इज स्क्वायर एंड दिस इज अ प्लस नाइन। सिमिलरली माइनस वन अपॉन एस प्लस वन दिस इज डिवाइडेड बाय स्क्वायर प्लस वन, ये क्या हो गया आपका चेंज हो गया बाय शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। यहाँ पर आपने कौन सा प्रॉपर्टी यूज किया, शिफ्टिंग प्रॉपर्टीज का यूज किया एंड इसे सॉल्व किया। तो अब नेक्स्ट काम क्या रहेगा, अब इसे आप चाहे तो सिंप्लीफाई कर दीजिए यहाँ पर, और इसे आप ऐसे भी छोड़ोगे तो आप मार्क्स डिडक्ट नहीं होगा, बट आप चाहे तो अगर आप फुल मार्क्स लेना चाहते हो तो आप इसे सॉल्व करके
आपको दिखाना पड़ेगा। तो फुल मार्क्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसे सॉल्व करना पड़ेगा। लेट्स से मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ। तो सिंप्लीफाई करने के लिए मैं एस प्लस वन को यहाँ पर ट्रांसफ़र करता हूँ 3 टाइम एस स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा आपका एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 1, दैट इज़ एस स्क्वायर प्लस 2s क्या हो जाएगा प्लस 2। तो यहाँ पर ट्रांसफ़र होगा तो एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2 क्यों, क्योंकि यहाँ पर प्लस 1 था तो ऐड हो जाएगा माइनस टाइम्स। सिमिलरली यहाँ पर इसे भी ट्रांसफ़र करोगे तो क्या हो जाएगा 1 एंड दिस इज़ एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2s प्लस 1, तो प्लस 1 प्लस 9 कितना हो जाएगा प्लस 10। तो मैंने क्या किया, इसे ट्रांसफ़र किया एंड नाउ इसे भी नीचे डिवाइड कर देता हूँ। तो डिवाइड करने के लिए चाहे तो आप इसे इस फॉर्म्स में ही लिख सकते हो, कोई बात नहीं है, एस प्लस 1 द होल स्क्वायर प्लस 9 एंड सिमिलरली इन टू आपको क्या है एस प्लस 1 द होल स्क्वायर प्लस 1, ये हो गया आपका सेकेंड फंक्शन। तो आप इसे आप सिंप्लीफाई कर दिए, अब इसे आगे सॉल्व करके आप इसे बता सकते हो। तो क्या हो जाएगा 3 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 3 एस स्क्वायर प्लस 6s प्लस 6 माइनस एस स्क्वायर, अंदर माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा माइनस 2s माइनस 10, दिस इज डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा s प्लस 1 दी होल स्क्वायर एंड प्लस 9 इंटू एस प्लस 1 दी होल स्क्वायर प्लस 1, ये हो गया आपका आंसर। अभी आप अभी इसे चाहे तो आप देखिए 3s स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 3s स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर दैट इज एस स्क्वायर 6x माइनस 2s दैट इज माइनस 4 टाइम्स एस प्लस 6 माइनस 10 दैट इज यहाँ पर क्या हो जाएगा देखिए 6s माइनस 2s दैट इज प्लस 4s एंड प्लस 6 माइनस 10 दैट इज माइनस 4। अब नीचे चाहे तो आप इसे इस फॉर्म्स में स्टॉप कर सकते हो और जो कि आपका ये आंसर हो जाएगा इंटू एस प्लस 1 एंड दिस इज होल स्क्वायर प्लस 1, ये हो गया आपका फ्रेंड्स यहाँ पर आंसर हो गया, जो कि ये हो गया लैपलेस ऑफ ई रेस टू माइनस टी इंटू कॉस 2t एंड साइन टी। तो बहुत ईजी है फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए मैंने कैसे सॉल्व किया। सबसे पहले मैंने क्या किया, कॉस 2t के लिए आपको कोई फार्मूला मालूम नहीं था तो आपने क्या किया इसको फंक्शन ऑफ टी, क्योंकि आप राइट हैंड साइड से जाते तो फंक्शन ऑफ टी से मानोगे कॉस 2t इंटू साइन टी। तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो 2 कॉस इंटू कॉस साइन बी का फार्मूला यूज किया तो ये हो जाएगा। नाउ स्टैंडर्ड फार्मूला का यूज करके आप इसे सॉल्व कर दिया। स्टैंडर्ड फार्मूला यूज करने के बाद ई रेस टू माइनस टी था तो आपको पता है बाय नाउ बाय द शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टीज का यूज किया आपने। फिर यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपने सिंप्लीफाई किया तो एस प्लस 1 द होल स्क्वायर प्लस 9 एस प्लस 1 द होल स्क्वायर प्लस 1, आप इसे सिंप्लीफाई करोगे एंड यहाँ पर ट्रांसफर किया, सिमिलरली यहाँ पर इसे ट्रांसफर किया एंड मल्टीप्लाई बाय दिस 2 तो आपको क्या मिल जाएगा एस स्क्वायर माइनस 4s प्लस 4s माइनस 4 अपॉन एस प्लस 1 द होल स्क्वायर प्लस 9 इंटू एस प्लस 1 द होल स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाय 1/2। चाहे तो आप इसे 2 अंदर मल्टीप्लाई करके इसे लिख सकते हो। तो यहाँ पर हो गया क्वेश्चन नंबर 3 फ्रेंड्स, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टीज में आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर इससे रिलेटेड कुछ डाउट है इन 3 क्वेश्चन में तो आप पूछ सकते हो, और इससे ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन को इससे रिलेटेड सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो फ्रेंड्स, थैंक यू।